सो हेलो बॉस गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर न्यू वीडियो में। आज जो तुम कुछ से आपका फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं लाइट रूम के बारे में, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो चले गए तो लाइक कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, लाइट रूम में आने के बाद सिंपली चलना है अपने लाइट वाले टूल पे। हमेशा लाइट पे जाते हैं, इस बार भी लाइट पे चलना है। उसके एक्सपोजर को कम कर देना है, डन। कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लेना है, हाइलाइट्स को बढ़ा लेना है, शैडोज भी बढ़ा लेते हैं फुल, वाइट्स को कम ज़्यादा करके देखते हैं, नहीं ज़्यादा ठीक है 26, ब्लैक्स को भी बढ़ा लेते हैं हल्का, बस डन। कॉन्ट्रास्ट को प्लस कर देते थोड़ा सा, डन। उसके बाद चलते हैं कलर वाले टूल पे। इसका सिर्फ वाइब्रेंस बढ़ा लेते हैं और टेम्परेचर को बढ़ा लेते हैं, टिंट भी हल्का बढ़ा लेते हैं, डन। बस इतना ही करने के बाद देख सकते हैं अपने फोटो में कलर ग्रेडिंग तो हो, ये तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन इसमें कलर ग्रेडिंग कर दें तो सिंपली चलते हैं अपने मिक्स टूल के ऊपर। और मिक्स टूल के आने के बाद आपको बस देखना है बैकग्राउंड में कौन सा कलर है। तो हमारी ग्रीन कलर है, उसको हम अपना सिचुएशन प्लस करेंगे, ह्यू को करेंगे माइनस, जैसे येलो रंग हो गया, येलो कलर हो गया। उसके बाद जाएंगे येलो पे, इसका सिचुएशन प्लस करेंगे, ह्यू को करेंगे माइनस, डन। उसके बाद चलना है फेस को कलर ग्रेडिंग करते हैं। चलते हैं ऑरेंज वाले टूल पे, सिचुएशन को कर देते हैं माइनस, ह्यू को बढ़ा, ल्यूमिनस को बढ़ा देते हैं, इस पर फेस पे वाइट आ जाएगा, डन। यहाँ से कर देते हैं डन। उसके बाद चलते हैं अपने मास्किंग के ऊपर। मास्किंग के आने के बाद प्लस पे क्लिक करना है और सिंपली सेलेक्ट स्काई पे क्लिक कर देना है और खुद ही सेलेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वेट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूँ, बस वेट कर लेते हैं। देख सकते हैं ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। तो सिंपली जाना है एक्सपोजर पे, सॉरी लाइट पे, इसके एक्सपोजर को कम कर देना है हल्का सा, हाइलाइट्स को भी कम कर देना है, कॉन्ट्रास्ट भी कम, शैडोज भी कम, वाइट्स भी कम, सॉरी वाइट्स कम नहीं करना है, डन। सिचुएशन सॉरी कलर टेम्परेचर इसका प्लस करते हैं, टिंट बना लेते हैं, सिचुएशन बना लेते हैं, सिचुएशन हाँ ठीक है डन। इसके बाद कर लेते हैं डन यहाँ से, बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद सिंपली आपको ले जाना है इस फोटो को ऑडिट स्केचबुक में। तो अगर उसका वीडियो आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फेस स्मूथ कैसे करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चाहे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।